छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्राम कोपरा को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के पश्चात संचालन समिति के गठन होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के दिन कोपरा वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली है, इसके लिए सभी नागरिकों को वह बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सभी वर्गों के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिसका फायदा प्रदेश के सभी नागरिकों को मिल रहा है। इसके अलावा प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मोदी की गारंटी, जो कि उनके तहत वादे किए गए हैं, उन वादों को सरकार बनते ही अमल कर क्रियान्वय करने का कार्य कर रही है, जिसका लाभ सीधा पात्र हितग्राहियों को निश्चित समय पर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोपरा ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना है, इसके सुव्यवस्थित विकास के लिए किसी भी प्रकार की राशि की कमी वह नहीं आने देंगे, जिससे तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। कोपरा को योजनाबद्ध तरीके से एक नया शहर बनाएंगे, ऐसा उनका कहना था। इसके लिए उन्होंने 50 वर्षों की कार्य योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है, यह भी बताया, जिससे अन्य शहर के लोग भी इस शहर को एक आदर्श शहर के रूप में पहचाने और इसके लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है, ऐसी उन्होंने अपील करी है। देखिए एक रिपोर्ट संवाददाता थनेश्वर बंजारे के साथ। कोपरा नगर पंचायत के नौ नियुक्त समिति ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। प्रशासन की ओर से विभिन्न हितग्राही मूलक सामग्रियों का वितरण हुआ और निश्चित रूप से कोपरा की एक बहुप्रतीक्षित मांग थी, कोपरा को नगर पंचायत बनाने का। हमारी सरकार ने बहुत कम ही समय में कोपरा को नगर पंचायत बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से ये नया नगर पंचायत सुव्यवस्थित रूप से योजना बनाकर काम करे और एक अच्छे शहर के रूप में अपनी पहचान बनाए। नव नियुक्त पदाधिकारियों को मैंने बधाई दी है, गाँव वासियों को बधाई दी है कि अब शहरवासी हो गए हैं। निश्चित रूप से कोपरा आने वाले समय में तेज गति से एक शहर के रूप में विकसित होता हुआ नजर आएगा। कितने आज 50 लाख रुपए की राशि कोपरा के विकास के लिए और राजीव नगर के लिए भी 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। लगातार हम नगरों के विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं। लगभग 1500 करोड़ रुपए की राशि अब तक विभिन्न योजनाओं से नगरों को भेजा जा चुका है। आने वाले समय में हम और राशि देकर शहरों के सुव्यवस्थित विकास का काम करेंगे। देखिए कांग्रेस का कहना है कि भूपेश बघेल ने नगर पंचायत की घोषणा की थी और भाजपा जो इसकी श्रेय लेगी। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस केवल घोषणा करती है, काम हम करते हैं। काम करें और एक अच्छे शहर के रूप में अपनी पहचान बनाए। नव नियुक्त पदाधिकारियों को मैंने बधाई दी है, गाँव वासियों को बधाई दी है कि अब शहरवासी हो गए हैं। निश्चित रूप से कोपरा आने वाले समय में तेज गति से एक शहर के रूप में विकसित होता हुआ नजर आएगा। 50 लाख रुपए की राशि कोपरा के विकास के लिए और राजीव नगर के लिए भी 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। लगातार हम नगरों के विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं। लगभग 1500 करोड़ रुपए की राशि अब तक विभिन्न योजनाओं से नगरों को भेजा जा चुका है। आने वाले समय में हम और राशि देकर शहरों के सुव्यवस्थित विकास का काम करेंगे। देखिए कांग्रेस का इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस केवल घोषणा करती है, काम हम करेंगे।